हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म। बिल्कुल बच्चों को समझ में नहीं आता है और एक ऐसी पहेली है ये जिसको अभी तक बहुत कम ही लोगों ने सुलझाया है। तो आज मैं ये जरूर वादा नहीं दावा कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको इस लेक्चर के बाद बिल्कुल काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आने वाला है। क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो चलिए शुरू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो इस वर्ड का, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर। तो काउंटर का मतलब हमेशा याद रखना अपोजिट। जैसे कभी कभी आप देखते हो एक दूसरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो काउंटर क्वेश्चन डालते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज काउंटर क्वेश्चन। तो काउंटर मतलब कुछ अपोजिट, टीचर स्टूडेंट। इसी से मिलता जुलता वर्ड है इनकाउंटर, जब पुलिस और चोर में इनकाउंटर, या आर्मी और टेररिस्ट, समझ रहे हो। तो कोई जब अपोजिट चीजें हैं, कुछ अपोजिट जरूर है यहाँ पे। देखिए क्या अपोजिट है, तो काउंटर का मतलब अपोजिट हमेशा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, करंट मीन्स होता है बच्चों फ्लो। करंट मीन्स क्या होता है, फ्लो। अब करंट फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्जेस। वाटर करंट हो सकता है जिसमें मूवमेंट या फ्लो ऑफ वाटर, स्टैटिक, जो पानी खड़ा है वो करंट नहीं है, समझ रहे हो। तो करंट मीन्स फ्लो, अगर वाटर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज वाटर करंट। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट। हवा तेजी से चल रही है, एयर करंट। तो करंट का मतलब हमेशा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ठीक है ना। करंट का मतलब, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी कब होगा या इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, जब फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। अब वो फ्लो वाटर का हो सकता है, एयर का हो सकता है, चार्जेस का हो सकता है, क्लियर। तो करंट मीन्स होता है फ्लो, यानी अपोजिट फ्लो के कारण कोई ना कोई मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो अपोजिट फ्लो के कारण एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है और उसी मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो एक पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, ड्यू टू फ्लो ऑफ और ड्यू टू अपोजिट फ्लो ए मैकेनिज्म इज एस्टैब्लिश्ड। ड्यू टू अपोजिट फ्लो ए मैकेनिज्म इज एस्टैब्लिश्ड called as counter current mechanism। तो कुछ ना कुछ अपोजिट फ्लो हो रहा है बच्चों, जिसके कारण ये मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बस मैंने टाइटल आपके साथ डिस्कस किया, इससे आपको अंदाजा लग गया है कि कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसके कारण ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेडिंग क्या, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, वो ये मैकेनिज्म है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने की। कंसंट्रेट आपको पता है, कंसंट्रेट का मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन से आप वाटर निकाल लेते हो या उसमें ज्यादा सॉल्ट डाल देते हो, ठीक है ना, तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो कंसंट्रेट फिल्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता है। फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जब ब्लड फिल्टर्ड होके क्या बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो उससे
अब जब वाटर आप रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, तो वो फिल्ट्रेट कैसे हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है आपको, अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिससे फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट कब कंसंट्रेट होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा जब वाटर हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे तो वो फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अब कंसंट्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो मान लो अगर मेरे बॉडी के अंदर पानी की कमी है, ठीक है ना, मेरे बॉडी में पानी की कमी है, मतलब मेरे ब्लड में पानी कम है, या कह सकते हो मेरे, ऐसे समझो आप कि मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई। अब उस पानी की कमी को पूरा करना है हमें, किसी तरह से नलीफाई करना है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, अब हम ज्यादा वाटर को वेस्ट नहीं कर सकते यूरिन में। ऐसे ही ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या है, पानी की कमी है, और अगर ज्यादा पानी यूरिन के थ्रू चला गया तो और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस फिल्ट्रेट से या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास की जाती है बच्चों। तो एक कंसंट्रेटेड यूरिन क्या किया जाता है, पास किया जाता है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि उस यूरिन में बहुत कम पानी होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। समझ में आ रहा है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करना। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म याद रखना है मैमल्स में होता है और बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ मैमल्स की बात कर रहे हैं यानी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो मैमल्स के पास वो एबिलिटी है, ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है, टू कंसंट्रेट द और टू पास आउट द कंसंट्रेट यूरिन। तो मैमल्स कंसंट्रेट कर सकते हैं फिल्ट्रेट को और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट कर सकते हैं। ह्यूमंस भी उसी में आते हैं मैमल्स में, तो हम भी ऐसा करते हैं। अब कंसंट्रेटेड यूरिन या काउंटर करंट मैकेनिज्म तब होता है जब हमारे बॉडी में स्कार्सिटी होती है वाटर की, या डिफिशियंसी होती है यानी कमी होती है जब वाटर की, तब काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, ये याद रखना आपको। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, ये क्लियर हो गया। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से थोड़ा सा समझना आप कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम करते क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक्चुअली किया क्या जाता है, तो देखो सपोज ये आपको दिख रहा है यहां तक, एक मिनट में देख लू, हाँ इट इज विजिबल। तो देखो यहां पर मान लो हमने एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया, इस तरह से ये अपना कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स है, ये वाला कॉर्टेक्स हो गया लाइन के ऊपर, और यहां पे पूरा मेड्यूला हो गया, क्लियर, ये बातें आपको पता है, मैंने कई बार बताया हुआ है आपको। अब हम क्या करते हैं, ये जो ब्लड फिल्टर हुआ, मतलब ये समझो काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम करवाना क्या चाहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी हेल्प करता कैसे है। तो देखो यहां से ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, तो ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, यहां से ब्लड आया, ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, यहां से ब्लड आया, यहां फिल्ट्रेट हुआ, ये बन गया जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट। अब क्या किया जाता है कि किसी तरह से ये जो स्पेसेस हैं इनको हम मेडुलरी इंटरस्टीशियल बोलते हैं। दो टर्म आपको याद रखना है, एक है मेडुलरी इंटरस्टीशियम और दूसरा है मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड, ध्यान से समझना। जो स्पेस लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट है मेड्यूला में, उसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टीशियम। जो स्पेस प्रेजेंट है लूप ऑफ हेनले के अराउंड कहां पे, मेड्यूला में, उसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टीशियम।
और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखना, मेडुलरी इंटरस्टिशियल क्या है। तो पहले अपन लिख लेते हैं एम आई, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज एम आई। ओके, एम आई का मतलब हो गया मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, तो इट इज द स्पेस प्रेजेंट अराउंड, इट इज द स्पेस प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले, स्पेस प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले इन मेड्यूला। तो स्पेस प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले इन मेड्यूला, इसी को बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसी फ्लूइड को हमने बोला मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले इन मेड्यूला इज कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसी में भरा हुआ है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम एक फ्लूइड है जिसको हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये भी कह सकते हो कि वो फ्लूइड जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ प्रेजेंट है मेडुला में, उसी को हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आपको समझ में आ गया। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको ऐसे आप लिख सकते हो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर, ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले इन मेड्यूला। तो मेड्यूला में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, या कह सकते हो इस स्पेस में जो फ्लूइड है, इसी को मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। इसी को MIF, यानी दोनों टर्म से आपको घबराना नहीं है, जगह जगह आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियम या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वर्ड मिलेगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी क्या मदद करता है बच्चों, कि हम इस काउंटर करंट मैकेनिज्म अभी देखेंगे वो कैसे कर पाता है, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे हमारी हेल्प करता है जिससे हम कंसंट्रेट यूरिन पास आउट करते हैं। तो यहां पे क्या करता है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देता है, बढ़ा देता है इधर भी, इधर कहीं भी आप लिख सकते हो सॉल्ट की, यहां से यूरिया भी निकलता है। तो सॉल्ट NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ा देता है काउंटर करंट मैकेनिज्म इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे और ये सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है, मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है सॉल्ट के लिए। ऊपर में थोड़ा सॉल्ट कम रहते हैं, नीचे जैसे जैसे आप मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नीचे जाएंगे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इतना सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है जिससे कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन से जीएफ जब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा उसको पहली बार यूरिन बोलेंगे, और इस यूरिन जो यूरिन पहुंचा कलेक्टिंग डक्ट से उससे ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करा लेना। यही ऐसे ही हमारी काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म की मदद से
हम इस मेमुलरी इंटेस्टिशियन में या इस मेमुलरी इंटेस्टिशियल फ्लूइड में इतना सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं, इतना सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से हर जगह हम ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करा लेते हैं और एक कंसेंट्रेटेड यूरिन। अब उस यूरिन से अगर बहुत ज्यादा वाटर हमने रीअब्सॉर्ब करा लिया तो ऑब्वियस है एक कंसेंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा, बच्चों पास आउट होगा। तो अभी तक देखो काउंटर करंट वर्ड का मतलब आपको समझ में आया या काउंटर करंट मैकेनिज्म का? काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी अपोजिट फ्लो, काउंटर मींस अपोजिट, करंट मींस फ्लो के कारण एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ। इस मैकेनिज्म का क्या काम है? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म तब चलता है हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में स्कार्सिटी होती है किसकी? वाटर की, पानी की। तो एक कंसंट्रेट यूरिन पास आउट करने के लिए ये मैकेनिज्म चलता है। ये मैकेनिज्म, ये आपको समझ में आ गया कि ये मैकेनिज्म कब कब परफॉर्म करेगा या कब होगा हमारी बॉडी में? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म तब चलने लगता है या शुरू होगा हमारी बॉडी में जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरह से हमारी हेल्प करता है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की मदद से हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इतनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके लिए? सॉल्ट के लिए, मतलब ऊपर में सॉल्ट कम, नीचे जैसे जैसे जाओगे सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा लेते हैं या काउंटर करंट मैकेनिज्म सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है किसमें? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिससे आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लो ये कलेक्टिंग डक्ट है मान लो, और ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियम या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये है मान लो कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज सीडी। अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट आपने बढ़ा लिया है बहुत, और यहाँ पे भी हर जगह सॉल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट कम रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सॉल्ट बढ़ता जाता है, ठीक है ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक के अंदर जाएंगे आपको और समझ में आता जाएगा। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया है, यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लो एक है, यहाँ पे बढ़ता गया दो हो गया, यहाँ पे तीन, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे हम लोग देखेंगे क्यों बढ़ रहा है। अब क्या होगा, सॉल्ट ज्यादा यानी यहाँ पे वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा यानी कि यहाँ पे वाटर कम है, कहाँ? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर ज्यादा है सॉल्ट कम है, वाटर ज्यादा है सॉल्ट कम है, तो वाटर हमेशा अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट से हम बहुत ज्यादा पानी क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करा लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी तक हमने ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब समझा। दूसरा कि कब फंक्शनल होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म तब फंक्शनल होगा हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में वाटर की स्कार्सिटी है या डिफिशियंसी है। तो उस समय क्या होगा, ये कंसंट्रेट किया जाएगा फिल्ट्रेट को, काउंटर करंट मैकेनिज्म कंसंट्रेट को फिल्ट्रेट कंसंट्रेट कराएगा फिल्ट्रेट को, और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट कराया जाएगा। अब ये कैसे कंसंट्रेट यूरिन पास आउट कराता है, कैसे हमारी मदद करता है? तो काउंटर करंट हमें क्या करता है, इस तरह से हेल्प करता है जिससे कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेडुलरी इंटरस्टिशियम या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इतना बढ़ा लेते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl, नीचे में यूरिया आप देखोगे, तो इतना कंसंट्रेशन हम बढ़ा लेंगे इन सब जगह पे कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ, जिससे कि कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा वाटर हम रीअब्सॉर्ब कर पाए और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करें। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको लिखना है, ठीक है ना, लिखना है। वहाँ पे लाइट पड़ रही है जहाँ सॉल्ट लिखा है मैंने ऊपर में, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी इज फॉर कलेक्टिंग डक्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वो आगे और आप डिस्कस करेंगे। तो इधर मैंने मेडुलरी इंटरस्टिशियम बनाया है, डब्ल्यू मीन्स वाटर है बच्चों, तो इस तरह से वाटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको नोट करना है, क्लियर? तो इसको मैं रब कर रहा हूं,
देन पॉइंट आपको लिखना है काउंटर करेंट, काउंटर करेंट, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अकर्स और एस्टैब्लिश्ड, अकर्स और एस्टैब्लिश्ड इन इन मैमल्स। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स और एस्टैब्लिश्ड इन मैमल्स, तो मैमल्स में एस्टैब्लिश होता है या होता है अकर्स और एस्टैब्लिश्ड इन मैमल्स। फिर पर्पस क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? तो अब काउंटर करंट मैकेनिज्म को मैं CCM लिखूंगा, बार बार काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकम फंक्शनल, काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकम फंक्शनल, फंक्शनल व्हेन व्हेन स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, CCM काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकम फंक्शनल व्हेन स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, स्कार्सिटी ऑफ वाटर अगर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर अकर्स इन, अकर्स इन बॉडी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकम फंक्शनल व्हेन स्कार्सिटी ऑफ वाटर अकर्स इन बॉडी या इन आवर बॉडी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में, जब ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकम फंक्शनल व्हेन स्कार्सिटी ऑफ वाटर अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो उस समय इन बॉडी एंड एंड ए कंसंट्रेटेड एंड ए कंसंट्रेटेड एंड ए कंसंट्रेटेड यूरिन इज पास्ड आउटसाइड, एंड ए कंसंट्रेटेड यूरिन इज पास्ड आउटसाइड, और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे हमारी हेल्प करता है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया काउंटर करंट मैकेनिज्म कब होगा? तो तब होगा जब स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो ह्यूमन बॉडी में, या जहां भी ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वहां पे ये तब फंक्शनल होगा जब वहां पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है और एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स पार्टिसिपेट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये नेफ्रॉन काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन पार्टिसिपेट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये याद रखना है आपने को, क्लियर। उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है और काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेल्प से हम कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट कर सकते हैं, क्या करवाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या एस्टैब्लिश हो जाता है इसमें, ये क्या हो जाता है ऐसा जो कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होता है, तो वो लिखना है CCM काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग और मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग ए, मेंटेनिंग ए हाई कंसंट्रेशन, मेंटेनिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स NaCl एंड यूरिया। CCM helps in establishing or maintaining a high concentration of salts NaCl and urea
इन मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम so that a large amount of water can easily pass through collecting duct and is absorbed in capillaries and vasa recta. तो क्या हम चाहते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टीशियम में इतना मेडुलरी इंटरस्टीशियम में यहां से समझना, सपोज करो ये मेडुलरी इंटरस्टीशियम है या यहीं पे फ्लूइड है, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड. यहां पे मान लो अपना कलेक्टिंग डक्ट है. बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि ये ध्यान से समझना. तो सॉल्ट क्या होता है, इतना बढ़ जाता है यहाँ पे NaCl 1 है, फिर नीचे जाओगे तो NaCl 2 हो गया, मतलब बढ़ता जा रहा है इसका कंसेंट्रेशन. नीचे आओगे तो NaCl 3 हो गया, मतलब नीचे और आओगे तो NaCl 4 हो गया, मतलब यहाँ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है. अब सॉल्ट यानी NaCl यहाँ ज़्यादा है, यानी यहाँ पे वाटर कम है. बच्चों वाटर कम है, नीचे जो ये एरो बना रहा हूँ इसका मतलब कम है वाटर यहाँ पे, ठीक है ना. वाटर कम है, सॉल्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया. तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर ऑलरेडी ज़्यादा होता है क्योंकि सारे DCT से यहीं पे वाटर कलेक्ट होगा, तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है. तो ज़्यादा वाटर हमेशा अपने कम की तरफ मूव करने लगेगा, और यहीं पर आपको पता है इधर ही सारे पेरिट्यूलर कैपिलरी जैसे प्रेजेंट हैं या वासा रेक्टा प्रेजेंट है, वहीं पे ये चला जाएगा उनके अंदर. तो सपोज करो ये वासा रेक्टा है या पेरिट्यूलर कैपिलरीज है, तो इस तरह से ज़्यादा वाटर हम क्या कर लेंगे, हम रीअब्सॉर्ब करा लेंगे. बच्चों तो रीअब्सॉर्ब करा लेंगे तो एक कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा. क्लियर? तो एक कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा. तो जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट लो या नोट्स बना लो, वीडियोस पॉज करके इसके आगे बढ़ते हैं. मैं अभी इसको रब करूंगा. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया काउंटर करंट मैकेनिज्म. एक हमेशा कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट हो पाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से. काउंटर करंट मैकेनिज्म अपोजिट फ्लो की वजह से स्टैब्लिश हो सकता है. अभी हम देखेंगे किसका अपोजिट फ्लो है. तो इसको पहले बच्चों में रब करता हूं. नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है जो एनसीईआरटी की लाइन है, मैमल्स जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी है. तो मैमल्स हैविंग एबिलिटी ऑफ पासिंग कंसेंट्रेटेड यूरिन. तो मैमल्स में एबिलिटी होती है किसको पास करने की, कंसेंट्रेटेड यूरिन को पास आउट करने की, ठीक है, पास आउट करने की.
ये याद रखना है। फिर अब जो काउंटर करंट था अपोजिट फ्लो था बच्चों, अब किस चीज का अपोजिट फ्लो है, कौन से स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होंगे उसकी अब बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना है लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर करेंट मैकेनिज्म। CCM मीन्स काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, जैसे काउंटर हो, मैंने बताया कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने काउंटर क्वेश्चन पूछा, तो जब तक दो चीजें नहीं होंगी तब तक काउंटर करंट एस्टैब्लिश नहीं होगा या काउंटर वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। अब इन दोनों के बीच काउंटर करंट, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर की वजह से काउंटर करंट एस्टैब्लिश हो पाता है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं, ये अपने को याद रखना है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका ड्रॉ करके, तो और चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, तो देखो यहां तक ये कॉर्टेक्स है, यहां कॉर्टेक्स है और ये है मेड्यूला, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला, ठीक है। ये अब यहां पे देखो, यहां पे ब्लड फिल्टर हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल से आया ब्लड, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियो, दिस इज एफरेंट आर्टरियो, ये आपको पता है, ये है इफरेंट आर्टरियो, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, यहीं से ब्लड एग्जिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाउमेंस कैप्सुले ब्लड फिल्टर हुआ, ये बन गया ग्लोमेरुलस।